गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चैप्टर टू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास एट का एमसीक्यू क्वेश्चंस और इसके आंसर को हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सभी भैया बहनों को इसे पार्टिसिपेट करनी है। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे उसका आंसर आपको अप्लाई करनी है। तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अप्लाई करेंगे सभी, ठीक है, और नहीं तो फिर इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन वन है, इसमें लिखा हुआ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल एक्स इज। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ये इसे बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, क्या ऑप्शन ए में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो यह होगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, या ऑप्शन सी में ए एक्स क्यू द प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा, या ए एक्स टू दी पावर फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, कौन सा इसमें सही है। हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को पहचानने के लिए बता दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, हालांकि मैं इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन आपको बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इन द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्स इज, इसमें कौन सा है जो लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी यही क्वेश्चन बताना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन जो होती है वो वह सिंगल डिग्री वाली यानी फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख करके बताना है कि कौन सा फर्स्ट डिग्री यानी फर्स्ट ऑर्डर में है। ठीक है, तो वेरी सिंपल सा ये बताना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जरूर बताएंगे। तो वीडियो को जो है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज, ये इक्वेशन का डिग्री क्या है। ठीक है, तो डिग्री निकालना वेरी सिंपल सा है। चलिए इसका हम सोल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, इसका डिग्री कैसे फाइंड किया जाएगा, तो देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, है ना, क्या है प्लस वन, और राइट में क्या है, राइट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो इसको हम ले आते हैं लेफ्ट में, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री, बच गया इधर क्या जीरो, तो ये दोनों क्या हो गया, देखिए कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास, 2x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए ये जो है वेरिएबल है तो इस पर कितना डिग्री है, तो वन है ना, कितनी है वन है, तो इसका डिग्री कौन सा होगा, ए का सही आंसर होगा, क्या ए, ठीक है, ऑप्शन ए ही परफेक्ट आंसर। तो देखिए इसको हम आंसर भी दिखा देते हैं कौन सा ए है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करके भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ए इसका क्या है आंसर है। तो आप जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है फोर में बताना है कि द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो लिखना पड़ता है इक्वेशन में, द स्टेटमेंट ऑन एडिंग टेन इन अ नंबर द नंबर बिकम 20 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वह कौन सा नंबर है इसमें 10 ऐड किया जाए तो 20 फाइंड हो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ओनली बतानी है। तो देखिए एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, इसमें मान लिया कि नंबर क्या है एक्स है, तो x के साथ कितना ऐड करनी है 10, तो वैल्यू कितने आ रही है 20, तो इसमें कौन सा है, तो देखिए तो कौन सा है b सही आंसर है। ओके, तो देखिए b इज द फर्स्ट आंसर, b इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो सबका आंसर आप वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 5 में है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर इफ वे कम 25 द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, इसका क्या होगा भाई, तो आप वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, वेरी सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इफ 15 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इट बिकम्स -5 दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, कह रहा है इसमें कि 15 इज सबट्रैक्टेड, वह नंबर है जिसमें 15 सब्ट्रैक्टेड किया जा रहा है तो वैल्यू कितने आ रहे हैं -5 आ रहा है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ए है, बी है, सी है और डी है, कौन सा सही है। तो इसका जितने भी आप वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो ए और उसका वैल्यू भी लिखेंगे, मान लिया जाए ए सही है या बी सही है या सी सही है डी सही है, तो आप उसको वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर तो इसका कौन सा होगा, तो आपको पता है आंसर, तो आपको पता ही है इसका क्या है, डी है, क्योंकि बोला क्या गया है, इफ 15 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम नंबर वेकम माइनस 5, तो देखिए यही है ना, दिस आंसर इज परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 7 टाइम्स अ नंबर इज 42, 7 टाइम्स ऑफ द नंबर 42, दिस स्टेटमेंट द फ्रॉम ऑफ इक्वेशन, 7 टाइम्स नंबर है, नंबर का 7 टाइम्स 42 हो रहा है, तो नंबर कौन सा है, तो आप वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर विच डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ठीक है, वन नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 5 से, तो वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो वह स्टेटमेंट इसमें कौन सा परफेक्ट है, यानी सही आंसर कौन सा इसमें होगा, सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, इसका आप जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40 रिजल्ट इनटू 15, द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इक्वेशन इज, एक नंबर है, नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट 40 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है, तो क्या ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा इसका आंसर सही है, आप वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 6 इज एडेड टू 3 टाइम्स, 6 में नंबर का 3 टाइम्स जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो नंबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो नंबर क्या है, ठीक है, वेरी सिंपल से क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, तो देखिए इसका हम बता देते हैं क्या ए होगा, क्योंकि देखो इसे बोला क्या गया है, 6 इज एडेड 3 टाइम्स, मान लिया अगर नंबर x है तो x का 3 टाइम्स कितना हो गया, 3x, और उसमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है, तो देखिए इसमें 3x plus 6 is equal to 15 कौन सा है, तो ए है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर बिग 856, दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, कह रहा है इसमें 30 सब्ट्रैक्टिंग 30 2 टाइम्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 2 टाइम्स, तो कितनी आ रही है, 56, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द रूट ऑफ द इक्वेशन जेड प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 इज, आपको इसमें जेड का वैल्यू बतानी है, द रूट ऑफ द इक्वेशन जेड प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 इज, तो इसमें जेड का वैल्यू क्या है ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर आ गए 13, द रूट्स रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 20y7 माइनस x इज, तो इसमें x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में x का वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो वेरी सिंपल से x की वैल्यू बताना, आपको पता है, आपने इस चैप्टर में पूरी तरह से इक्वेशन को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3 is equal to 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 इज, तो इसका इक्वेशन का जो है इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स मीन्स होता है वैल्यू ऑफ x, या कोई भी जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को बताना ही रूट्स कहलाता है। ओके, तो इसमें वैल्यू क्या होगा, आपको जो है वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 अपॉन x इज इक्वल टू 2 इज, तो x की वैल्यू क्या है इसमें, x की वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वेरी सिंपल से वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, कह रहा है एक लार्जेस्ट नंबर है 3 कॉन्सिक्यूटिव का x प्लस 1, तो उसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, क्या x होगा, x माइनस 1 होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, कौन सा परफेक्ट आंसर इसमें होगा, इसका स्टेटमेंट आपको बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज द इवन नंबर इन द कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज, तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, क्या x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 या 2x या x माइनस 1, कौन सा सही इसमें है, कह रहा है इफ x इज इवन नंबर, अगर x को इवन नंबर हो तो देन द कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा फाइंड होगा, क्या x प्लस 1 में होगा, x प्लस 2 में होगा, x या 2x में होगा या 2x माइनस 1 में होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, ठीक है,
तो इसको जो है, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे उसका आंसर को जो है वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। एक्स इज ऑड नंबर, एक्स क्या है, एक ऑड नंबर है, तो द लार्जेस्ट ऑड नंबर प्रेसेंडिंग एक्स इज, तो उसका जो है लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, ठीक है, बताना आपको है। तो चलिए इसका हम दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 19। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 21, दो संख्याओं का डिफरेंस कितनी है, 21 है, तो द लार्जेस्ट नंबर इज एक्स, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपको जो है आंसर का इसका वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसका आंसर को रिप्लाई करें, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए द टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज एक्स एंड द टेंस डिजिट इज वाई, द नंबर इज, कौन सा होगा, ए होगा 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई या 10y माइनस एक्स या 10x माइनस वाई, कौन सा इसमें परफेक्ट है, आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन 9 इज एडेड टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर वी गेट 67, द नंबर इज, कह रहा है पता है, व्हेन 9 इज एडेड 2 टाइम्स 9 में कितना ऐड किया जा रहा है, 2 टाइम्स ऐड किया जा रहा है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 67 आ रही है, मतलब साफ पता चलता है कि 2x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 67। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू बताना सिंपल, x इज इक्वल टू 29 होगा, आंसर को हमने रिप्लाई कर दिया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द रूट ऑफ द इक्वेशन माइनस 4/4x इज इक्वल टू 15 इज, इसमें x की वैल्यू क्या है वो आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द वैल्यू ऑफ x इन 3/4x इज इक्वल टू 7-6, तो इज, तो x ऑफ द वैल्यू इज क्या होगा, x की वैल्यू क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन नंबर 23 में x की वैल्यू बतानी है, कौन सा होगा, 4, 3, 7/3 या 7, कौन सा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। 3/4 पार्ट ऑफ द नंबर इज 5 मोर देन इज 2/3 पार्ट्स, दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इसमें कौन सा इक्वेशन का जो है स्टेटमेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25। द वैल्यू ऑफ एक्स इन -2/3 इज इक्वल टू 2x इज 3, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है 25 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26। द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x-8 इज इक्वल टू 7, तो इसमें x की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन नंबर 27 में कि x की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। द रूट ऑफ द इक्वेशन x+3 इज इक्वल टू 5 इज, तो x की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसका जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर को रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। द रूट ऑफ द इक्वेशन x-8 इज इक्वल टू 2, तो x ऑफ द वैल्यू, x की वैल्यू इसमें क्या होगा 28 में। क्वेश्चन नंबर 29। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x+8 इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या इसमें है, ठीक है, आप वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30। द रूट ऑफ द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 3+y इज, तो y ऑफ द वैल्यू, y का वैल्यू इसमें क्या होगा आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31। द रूट ऑफ द इक्वेशन y/3-7 इज इक्वल टू 11 इज, तो वैल्यू क्या होगा y का इसमें आप जरूर बताएं वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं, वेरी सिंपल है, आपको क्वेश्चन था y/3-7 इज इक्वल टू 11, तो देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या 54 इज अ परफेक्ट आंसर यानी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। द रूट ऑफ द इक्वेशन 14-6 इज इक्वल टू 8, तो एक्स का वैल्यूशन फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33। द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x/3 इज इक्वल टू 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 34। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3y+4 इज इक्वल टू y-4 इज, तो y का वैल्यू इसमें कौन सा है, 1, 2, 3, 4, कौन सा परफेक्ट आंसर है आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35। द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x/3 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू इसमें कौन सा होगा, क्योंकि रूट पूछा जा रहा है, रूट यानी कोई भी रूट जब भी पूछा जाए तो वैल्यू बतानी होती है। क्वेश्चन नंबर 36। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x+4 इज इक्वल टू 13, तो x के वैल्यू इसमें कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, द रूट ऑफ द इक्वेशन 9z-15 इज इक्वल टू 9-3z, तो जेड की वैल्यू इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x/7-12 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? 7, 14, 21 या -21, कौन सा परफेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 39, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 20/7-6, तो x का वैल्यू क्या होगा? आप जरूर बताएं वीडियो कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर है 40, द रूट ऑफ द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 5/7-y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या है? तो ठीक है, तो आज जितने भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है सही सही आंसर जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में जो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो है वो एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका आंसर को आप जरूर रिप्लाई करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।